मद्ज्ञान विनाशेतः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेतः। अब एक आदमी तिलक कर दिया और अब जो है आप आपकी सब करके ये जो वाद्यकार हैं, ये वाद्यकारों के संगीतकार हैं, इनके तिलक करो और इनको बैठ दो। आन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गोरार्थिकम जलार्थिकम शीतलीकरणे देवाय विवादनम महात्मा विवादनम महा ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षकम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरं परां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपत्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकसोनक भीष्मदालभ्यान् रुकुमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानं परं भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने बाल विने सुनि करि कृपा श्री राम चरण रति दे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाथ तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक कल्याण के प्रभु श्री सीताराम। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम ही वसम निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम।
बोली श्री सीतारमण महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो। यज्ञकर्ता महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री श्री राम प्रियादास जी महाराज की जय हो। पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज की जय हो। पूज्य महंत श्री मस्त रामदास जी महाराज की जय हो। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीता राम। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी नंद नंदन आनंद कंद व्रजचंद भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण प्रभु के लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री राम प्रियादास जी महाराज परम श्रद्धे पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज पूज्य महंत श्री मस्त रामदास जी महाराज एवं मुद मंगल में संत समाज श्रोता समाज भक्ति स्वरूपा माता सभी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए भगवान की हित की कृपा से भगवान श्री राधा कृष्ण के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आज षष्ठम दिवस है। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए दिवस जात नहीं ला गई बारह। पांच दिन कब निकल गए मालूम भी नहीं चला। आज छठवा दिन है और नौ दिन का उत्सव है तो बस अब तीन ही दिन बचे हैं। कहने का तात्पर्य कि समय जाने में देर नहीं लगती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का भी समय जा रहा है। सभी को
समय के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। समय समय की बात है, समय समय पर होता है समय समय की बात। काऊ समय को दिन बड़ो और काऊ समय की रात। तो किसी ने कहा कि समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन समय नहीं मिल सकता है, ना समय मिलेगा। जब काल आएगा तो उस समय फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि अभी हमें और घर के कार्य करना है, हमारा थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए। वहां स्टे भी नहीं लग सकता कि कार्य को रोक दिया जाए, अभी नहीं मरेंगे। उस समय कोई बहाना नहीं चलता। इसलिए समय का महत्व तो जिसने जाना उसने सब कुछ पहचान लिया। आइए भगवान की कथा का श्रवण गायन लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व हम सभी एकाग्र चित्त होकर के भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। कल की कथा में बहुत अच्छा आनंद आया। कल आपने हमारी पूरी पूरी बात को माना। हमने आपसे पहले निवेदन किया था कि बात कम करें, शांत चित्त होकर के कथा सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा कहने में। कल वास्तव में आपने कथा में पूरा सहयोग किया, कहीं से कोई बातचीत नहीं हुई, बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो कथा में भी आनंद आया। तो निवेदन यह है कि आज भी हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आज भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु सभी शांति बनाने का प्रयास करेंगे। जो कोई बात करे उसे इशारे से चुप कर दिया जाए, है ना? और जो आने वाले हैं वो धीरे से आकर के अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ये निवेदन है। आइए सभी मिलकर के भगवान का नाम संकीर्तन करें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे खबर हमारी लेवेगा चिंता करे बलाए हमारी हाँ अजी भजन करो भगवान का भजन करो भगवान का चिंता छोड़ो रोटी दाल की बलिहारी 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 बोलो बलिहारी नंदलाल
बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल तो हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता और चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता हम चिंता क्यों करें देखिए जब तक कन्या का विवाह नहीं होता है ना तब तक माता पिता को चिंता रहती है जब तक कन्या का विवाह नहीं हुआ है तब तक चिंता किसको होती है माता पिता को कि बेटी सयानी हो गई है अब इसका विवाह हो जाना चाहिए उसकी सारी चिंता खाने पीने की कपड़ा लत्ता पूरी की पूरी चिंता पिता को होती और जैसे ही उस कन्या का विवाह हुआ कन्यादान हुआ कन्यादान होते ही पिता की चिंता दूर समाप्त जिम्मेदारी किस पे आ गई अब जिम्मेदारी चली गई पति पर जिसके साथ में विवाह हुआ उसकी जिम्मेदारी है पिता अब चिंता नहीं करता है और कन्या भी निश्चिंत हो जाती है कि अब मैं जिनकी हूं वो जाने जहां मुझे रखेंगे जो खिलाएंगे खाऊंगी जहां रखेंगे रहूंगी अब जिम्मेदारी उनकी है पतिदेव की जिम्मेदारी है तो वो कन्या भी निश्चिंत हो जाती है हमेशा के लिए बस इसी प्रकार से एक बार आप भगवान से विवाह कर लीजिए विवाह करने का मतलब भगवान को अपना बना लीजिए फिर चिंता आपको नहीं करना है चिंता उनको करना है आपकी हमारी हम केवल भगवान के दास बन जाएं, सेवक बन जाएं, कोई भी एक संबंध भगवान से स्थापित कर लिया जाए बस उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाइए जिम्मेदारी फिर भगवान की है योगक्षेम बहाम्यम जो नहीं मिला है उसको मिलाने की और जो मिला हुआ है उसको सुरक्षित रखने की ये दोनों जिम्मेदारी फिर भगवान की होती है हमें केवल उनको अपना बनाना है उनके होना है वो जैसा चाहें वैसा करो उनके बनने का मतलब यह है कि वो जैसा चाहें वैसा करो उनकी इच्छा में इच्छा मिलाना ही भगवान का बनना है भगवान की जो इच्छा है बस उसी में अपनी इच्छा तो भगवान कभी फिर दोष नहीं देखते हैं गुणग्राही है भगवान भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने मुझे मेरे भक्तों से अलग किया तुमने मुझे मेरे भक्तों से अलग किया इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हूं और इंद्र जबकि इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने का संकल्प लिया था लेकिन भगवान ने अर्थ क्या लगाया बोले इंद्र तुमने तो बहुत अच्छा किया मेरे सभी ब्रजवासियों से मुझे मिला दिया और एक दिन नहीं दो दिन नहीं पूरे सात दिन और सात रात्रि तक हम सभी एक जगह रहे पूरे ब्रजवासी मेरे पास में रहे सात दिन और सात रात्रि तक तो तुमने तो मुझे मेरे भक्तों से मिलाया बिचारे इतने दिन तक मेरे पास में नहीं रह सकते थे ना अरे मैं अपने मैया बाबा के घर में रहता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मेरे पास में आते दर्शन करते लेकिन हमेशा तो नहीं लेकिन ये संयोग बन गया संयोग की बात है कि तुमने करी वर्षा और हमने उठाया गोवर्धन पर्वत और
अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सभी ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे रहे जिसको हमने उठा करके रखा था, तो चारों तरफ से ब्रजवासियों ने मुझे घेर करके रखा, सब मेरे पास में रहे और मुझे उनका दर्शन होता रहा, वो मुझे देखते रहे, मैं उन्हें देखता रहा। 7 दिन तक हम इकट्ठे रहे, तो ये तुम्हारी कृपा से ही तो हुआ। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे भक्तों से मिला है। तो ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान कभी दोष नहीं देखते। इंद्र को क्षमा कर दिया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत रख दिया। अब इसके बाद में सभी ब्रजवासी मिलकर के नंद बाबा के पास में गए, बोले बाबा एक बात बताओ। हाँ बोलो, क्या बात है? बोले बात ये है, तुम ये बताओ, ये जो तुम्हारा लाला है, इसको तुम कहां से लाए? हमें तो शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, किस बात की शंका? बोले शंका इस बात की हो रही कि ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है। नंद बाबा ने कहा, देखो एक तो ब्रजवासियों की रक्षा करी और हमारा बेटा और हाथ से जा रहा है, अब इन लोगों को शंका हो रही है कि तुम्हारा बेटा ही नहीं है। तब नंद बाबा को बताना पड़ा, भैया ब्रजवासियों तुम सब नहीं जानते हो, जब इसका नामकरण संस्कार हुआ था ना, गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार किया था तो उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा था मुझसे, वही बात मैं अब तुमको बता रहा हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नंद राय जी, तुम्हारा ये जो बालक है ना, नारायण के समान गुण वाला होगा, जो काम नारायण भगवान करते हैं ना, वैसे के वैसे ही सारे कर्म ये करेगा, बड़े बड़े कर्म करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। और आप सब देख रहे हो, बचपन से ही जब ये 6 दिन का था तब इसने पूतना का वध कर दिया, सकटासुर तृणाव्रत आदि का वध किया, कालिय नाग का मर्दन किया, दावानल का पान किया, अकासुर बकासुर आदि का उद्धार किया। और ये आपने ये देखा अभी अभी 7 दिन और 7 रात्रि तक ये गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा, जो इतना विशाल इतना भारी, तो क्या ये काम मनुष्य कर सकता है? क्या ये कार्य मनुष्य का है? ये मनुष्य के कार्य नहीं है, ये भगवान के कार्य हैं। भगवान ही ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं। ये गोवर्धन पर्वत को उठाने से ये सिद्ध हो जाता है कि मेरा जो लाला है ना, ये साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण भगवान है। ये गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था उस समय। अब तो महाराज ब्रजवासियों की बड़ी श्रद्धा बढ़ गई कि भैया हम तो धन्य हो गए, हमारे खानदान में, हम ग्वालों के बीच में, हमारे परिवारीजन बन करके भगवान आए, हमारा तो कुल खानदान धन हो गया, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे यहाँ भगवान हमारे जैसे बन करके आए। अब तो महाराज बार बार नंद बाबा को प्रणाम करने लगे, बाबा तपस्या तुमने करी, धन हो गए हम तुम्हारे कारण, भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आए और धन हो गए हम हैं। अब तो ये सभी जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे ना भगवान के मित्र, वो सब गए भगवान के पास में और कहने लगे, क्यों रे कन्हैया तू भगवान है? भगवान ने कहा, मैं तो भैया भगवान नहीं हूं। अरे नहीं 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 लाला, तेरो बाबा कह रहे हो कि मेरो लाला भगवान है, अब वैसे हमें तो तू भगवान जैसो लगे ना, पर ठीक है तेरे बाबा ने कही लाला तू भगवान है, तो अपने बैकुंठ के दर्शन हमें नहीं करावे गो। भगवान ने कहा, भैया बैकुंठ में मत जाओ, यहीं रहो। ग्वाल वालों ने कहा, ना हम तो भैया बैकुंठ के दर्शन जरूर करेंगे एक बार। अरे भैया जब तू हमारा मित्र है तो हमें अपने बैकुंठ के दर्शन नहीं करावे गो। भगवान ने पहले मना किया कि मत जाओ बैकुंठ में। अच्छा मान लो आपसे हम कहें कि चलो बैकुंठ, तो चलेंगे आप? कोई चलेगा बैकुंठ में चलने के लिए? कोई तैयार? कोई नहीं। आप कहेंगे, अरे बोले महाराज अभी वहां को तो घर बनेगो और बहुत कुछ करना है, हैं? भगवान ने कहा, नेत्र बंद करो,
और जैसे ही नेत्र बंद किया तो पहुंच गए सब वैकुंठ में। अब ग्वाल वाल ठहरे, जैसे वृंदावन में गायों के पीछे हीयो हीयो करते हुए डोलते थे, हीयो हीयो कारी कामर धोरी धूमर चटकल मटकल रंग गुलाबी, ये गायों के नाम है, कारी कामर धोरी धूमर चटकल मटकल रंग गुलाबी। अब आगे की बात थोड़ी कहना, पी बंदे पारी और लेन दे झकोरा, वो बात थोड़ी कहना। जैसे वृंदावन में उदम करते थे ऐसे ही बैकुंठ में भी उदम करने लगे ग्वाल बाल जो ठहरे, तो वहां के सेवकों ने रोक दिया, ए मौन, ये बैकुंठ है, यहाँ की मर्यादा कुछ अलग है। अब जो हमेशा बोलता हो उससे कह दिया जाए कि आज तुमको दिन भर मौन रहना है, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। ये कहां का सर नियम लगा दिया कि हमको बोलना नहीं, वो बेचारा बोले बिना रह नहीं सकता, तो वो तो कहेगा कि हम तो जा रहे हैं, संभालो अपनी धर्मशाला। अब वो बेचारे थोड़ी देर में परेशान, चलो भैया अपने कन्हैया से मिलने, हमारो कन्हैया यहाँ भगवान बन के बैठे हो है, तो जैसे ही भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहां जाते हो, बोले हम अपने भैया से मिलवे जा रहे कन्हैया से, बोले यहाँ कोई कन्हैया वनैया ना है, बोले यहाँ कौन है, अरे बोले यहाँ तो वैकुंठाधिपति नारायण भगवान है, बोले वही तो हमारो सखा है, बोले वो वहां होंगे तुम्हारे सखा, यहाँ तो नारायण भगवान है। ग्वाल वालों ने कहा भैया ये वैकुंठ अच्छो ना है, हमारा तो वृंदावन ही अच्छो है, भैया हमें ना चाहिए तेरो वैकुंठ, तू तो हमें वहीं पहुंचा दे, जा सारे यहाँ करके नारायण भगवान बन गए, चल वृंदावन में तो को बतावेंगे वहां पर। हाँ, ये महाराज भगवान की पिटाई कर देते हैं, ग्वाल बाल जो ठहरे मित्र हैं, घोड़ा बना लेते हैं, खेल खेल में जब भगवान हार जाते हैं ना तो भगवान से कहते हैं अरे कन्हैया तू हार गए, चल सारे घोड़ा बन, वो भगवान को घोड़ा बनना पड़ता है, ऊपर से मधुमंगल बैठ जाता है। तो ये ब्रजवासी है, इसलिए ब्रजवासियों के लिए भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना नेक विसारियों मोई नंद बाबा की आन। भगवान कहते हैं ये ब्रजवासी मेरे प्राण है, मैं इनको एक पल के लिए भी नहीं भूलता हूँ। ब्रजवासी हरि के अति प्यारे, ये ब्रजवासी भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं। राम जी भी कहते हैं अति प्रिय मो यहाँ के वासी, अयोध्या वासियों के लिए राम जी कहते हैं कि अयोध्या वासी मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। सब वृंदावन में आ गए, भगवान ने पूछा देखा वैकुंठ, बोला हाँ भैया देखा, बोले कैसा लगा, बोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, भैया हमारे तो जो है वृंदावन ही अच्छा है। एक दिन नंद बाबा रात्रि के तीसरे प्रहर में ही जो है यमुना स्नान करने चले गए, तो वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए। बाद में भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान की पूजा करी षोडशोपचार, और महाराज भगवान अपने बाबा को लेकर के आए। आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान गैया चराते हुए मथुरा के समीप पहुंच गए और भगवान को लगी भूख, तो ग्वाल वालों से कहा कि भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर जो है मथुरा के 24 ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे कुछ भोजन मांग करके लाओ। तो ग्वाल बाल गए तो ब्राह्मणों ने भोजन तो दिया नहीं, उल्टे उनसे बात भी नहीं किया, डांट करके भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। बेचारे ग्वाल बाल आ गए, भगवान ने पूछा भैया कछु लाए खाए वे के ताई। ग्वाल बाल एक तो भूख लग रही, ऊपर से जो है ब्राह्मणों ने फटकार दिया, तो सारी गुस्सा भगवान के ऊपर उतारी, कहा कही कन्हैया अरे भैया हम पूछ रहे हैं कछु खाएबे के ताई लेकर के आए। ग्वाल बालों ने कहा हाँ लाए, 5 अंगार लाए, खाओगे? भगवान ने कहा भैया ऐसे काई को बोल रहे हो, अरे भैया कन्हैया तुमने हमें उन अभिमानी ब्राह्मणन के पास में काई को भेज दियो, अरे उन्होंने तो हमारी राम राम हो नाई ली नहीं, हमसे प्रेम से बात भी नहीं किया, राम राम भी नहीं किया उन्होंने तो, हमसे भोजन देने की तो बात दूर है।
भगवान ने कहा भैया एक बार और जाओ। ग्वाल वालों ने कहा बोले अब नहीं जाएंगे, हम भले ही भूखे ही रह जाएंगे पर हम वहां नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अब की बार ब्राह्मणों के पास मत जाओ, तुम उनकी ब्राह्मणियों के पास में जाओ, वो बड़ी दयालु है, उनकी जो पत्नियां है ना उनके पास जाओ, वो बड़ी दयालु है। ग्वाल वालों ने कहा भैया ठीक है चले जाएंगे। अब ये ग्वाल बाल अब की बार सीधे उनके घरों में गए और उनके घरों के बाहर ही वो यज्ञशाला बनी हुई थी, तो वही यज्ञशाला में बैठ करके वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। अब बेचारे यज्ञ में बैठे थे तो उठ तो सकते नहीं थे, देख रहे थे कि ये ग्वाल बाल जो पहले हमारे पास आए थे अब वो हमारे पास ना आकर के सीधे हमारे घर में जा रहे हैं। लेकिन अब वो आचार्य जी ने मना कर रखे कि नहीं नहीं अभी उठ तो नहीं सकते, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा तो बेचारे उठ नहीं सकते। अब वो देख रहे थे कि सभी हमारे घर में चले गए। अब वहां ग्वाल वालों ने जाकर के ब्राह्मणों की पत्नियों से कहा माताओं राम राम, माताओं हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, हमें भी भूख लग रही है, हमारे जो सखा है कृष्ण बलराम उनको भी भूख लग रही है, इसलिए कुछ भोजन के लिए हम तुम्हारे पास में आए हैं, भोजन मिलेगा। जैसे ही ब्राह्मणियों ने सुना कि कृष्ण बलराम के सखा हैं और कृष्ण बलराम यहाँ आए हैं, महाराज प्रसन्न हो गई। इन मथुरा की ब्राह्मणियों ने भी ये समाचार सुन रखा था पहले से ही कि ब्रज में दो बालक हैं जिनका नाम कृष्ण और बलराम है, वो साक्षात भगवान ही हैं, उनके बड़े बड़े अद्भुत कर्म हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, काली नाग का मर्दन किया, अकासुर बकासुर अघासुर पूतना बद ये सब उन्होंने किया, तो इसलिए ये खबर तो पूरी दुनिया में फैल ही चुकी थी। मथुरावासी सब जानते ही थे कि ब्रज में जो दो बालक हैं कृष्ण बलराम वो भगवान हैं। तो इन ब्राह्मणियों ने सुना कि वो यहाँ समीप में आए हैं और हमसे भोजन मांग रहे हैं, तो महाराज उन ब्राह्मणियों ने कहा आप चिंता मत करो हम तुरंत भोजन तैयार करते हैं। महाराज तुरंत उन्होंने भोजन तैयार किया और तुरंत लेकर के चल पड़ी। देखिए माताओं में ये भाव होता है, माताओं के अंदर ये वात्सल्य होता है। जब ब्राह्मणों के पास में गए तो भोजन नहीं मिला, जब ब्राह्मणियों के पास में गए तो तुरंत भोजन बना करके लेकर के आई, यही तो है ममता। इसीलिए हमारे देश में जो है माताओं की प्रधानता है। देखो हमारे यहाँ पर गायत्री माता है ना, गायत्री माता, गौ माता, धरती माता है ना, इनकी माता की प्रधानता है ना। अरे और तो और हमारे देश का नाम भारत माता, आपने कभी दूसरे देश का नाम सुना? अमेरिका माता, चीन माता, जापान माता है, रूस माता, ये माता की जो पदवी है केवल हमारे ही देश को मिली है। हमारे देश का नाम है भारत माता, तो ये देश जो है मातृ प्रधान देश है या माताओं की प्रधानता है। देखिए माताओं के नाम कितने सुंदर सुंदर होते हैं, किसी का नाम है कमला देवी, किसी का नाम है विमला देवी, किसी का नाम है सरला देवी, सभी के आगे देवी शब्द लगा कि नहीं लगा? अच्छा आपने कभी सुना पुरुषों के नाम के आगे देवा लगा कि भाई रामलाल देवा, श्यामलाल देवा और मनोज देवा और रामू देवा, सुना आपने? किसी आदमी के नाम के आगे देवा शब्द नहीं लगता है, ये केवल देवी शब्द आपके ही नाम के आगे लगता है। और कभी कभी माताएं साक्षात देवी बन भी जाती है, कभी कभी देवी का रूप हाँ देवी आ भी जाती है, किसी किसी के ऊपर कृपा हो जाती है तो देवी आ भी जाती है। पर कुछ भी हो हमारा ये जो देश है मातृ प्रधान देश है या माताओं की प्रधानता है, वात्सल्य है माताओं के अंदर, वो सभी ब्राह्मणियां प्रसाद लेकर के पहुंची भगवान के पास में। और उस समय कृष्ण बलराम की जो शोभा है, भगवान की जो शोभा है वो कैसी बनी,
श्यामं हिरण्यपरधिं वनमालवरहा धातु प्रवालनटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुना नमब्जम कर्णोत्पलालकमुखाज्जहासम। भगवान का श्याम वर्ण है और वनमाला धारण कर रखी है, नटों जैसा वेश बना रखा है, कनेर का एक ही पुष्प कभी इस कान में लगाते हैं कभी इस कान में लगाते हैं। अच्छा, कनेर का पुष्प पीला और भगवान का रंग श्याम, तो श्याम के ऊपर पीला बड़ा शोभायमान और पीले के ऊपर श्याम बड़ा शोभायमान, तो एक ही कनेर के पुष्प को कभी इस कान में लगाते हैं कभी इस कान में धारण करते हैं। और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्ज हासम, ऐसी सुंदर छवि का दर्शन किया उन ब्राह्मणियों ने, भगवान ने उन ब्राह्मणियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवा यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हिवा। भगवान कहते हैं आओ माताओं आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और वात्सल्य उमड़ा इन माताओं के अंदर है, वात्सल्य उमड़ा। अभी कृष्ण बलराम की अवस्था कितनी है? मात्र 7 वर्ष की अवस्था है। अभी भगवान की अवस्था 7 वर्ष की है, छोटे छोटे बालक ही तो हैं। तो उन ब्राह्मणियों ने कृष्ण बलराम को गोद में बिठा लिया। अरे 7 वर्ष का बालक है और भगवान तो इतने सुंदर हैं, तो उनको गोद में बिठा लिया और अपने हाथ से भोजन कराया। कृष्ण बलराम को अपने हाथ से भोजन कराया और उनके जो सखाए ना वो भी उतने ही बड़े बड़े छोटे छोटे, उनको भी अपने हाथ से भोजन कराया। अब तो ब्राह्मणियों का मन भगवान ने चुरा लिया। अब भगवान ने उन ब्राह्मणियों से कहा माताओं अब आप सब जाओ अपने अपने घर को जाओ। तो उन ब्राह्मणियों ने कहा, बोले प्रभु अब तो हमारा मन करता है कि हम आपके पास में रह जाएं, हमारा मन तो ये कहता है कि हम आपके ही पास में रह जाएं, अब घर जाने की इच्छा नहीं है। भगवान ने पूछा क्यों? बोले बस अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, आपको देखने के बाद में अब तो यही लग रहा है कि अब तो हम आपके ही पास में रहें। और दूसरी बात यह है कि घर जाएंगी तो हमारे पति हमको मारेंगे, वो हमें घर में नहीं आने देंगे, घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास में आई है, वो हमें रोक रहे थे, हमने उनकी एक बात नहीं मानी और हम आपके पास आ गई तो वो हमें घर में भी नहीं आने देंगे। हो मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने, हो मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने।
तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। जय हो, चाहे दुनिया करे बदनाम, दुनिया का जाने, चाहे दुनिया करे बदनाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। दिखा दो श्याम,
मोहे दर्श दिखा दो श्याम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने हो दुनिया क्या जाने हो दुनिया क्या जाने हो दुनिया क्या जाने। ने कहा प्रभु हमारी जाने की इच्छा तो नहीं है, पर आप कह रहे तो जरूर जाएंगे। भगवान ने कहा अवश्य जाओ। अब वो तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, पहले से भी अधिक प्रेम करेंगे। और जैसे ही ये ब्राह्मणियां पहुंची अपने घरों में, उनके पतियों ने देखा महाराज भगवान के दर्शनों से ये पवित्र होकर के गई थी, भगवान के दर्शनों से ये पवित्र होकर के गई थी। इनके पतियों ने दर्शन किया तो उनका भी भाव परिवर्तन हो गया। और अपनी भूल समझ में आ गई, वो सब कहने लगे दिग्जन्म नस्त्रिव्रत विद्याम धिग बहुज्ञता धिक कुलम धिक क्रिया द्राक्षम विमुखा ये छजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारा बड़ा होना धिक्कार है, वृद्ध होना धिक्कार है, धिक्कार है हमारी विद्या को, धिक्कार है हमारे ऐसे ज्ञान को, और धिक्कार है हमारे ऊंचे कुल खानदान को, और धिक्कार है हमारी इस क्रिया को। जिस योग्यता के कारण हमें अभिमान हो गया, और जिस विद्या और धन और रूप और योग्यता के कारण हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान के पास नहीं जा सके। अरे जाना तो दूर की बात, उनके सेवक आए, उनके सखा आए, तो उनका भी सम्मान नहीं कर सके हम। तो धिक्कार है हमारी ऐसी विद्या को कि जिस विद्या के कारण हम भगवान के पास नहीं जा सके। ज्ञान हो गया, भूल समझ में आ गए। और देखो यदि कोई अपराध हो जाए ना तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित यदि कर लिया तो अपराध क्षमा हो जाता है। ब्राह्मणों ने कहा देवियों तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम भगवान के पास में चली गई और हम नहीं जा सके। वैसे हो तो तुम हमारी पत्नियां, लेकिन अब तो मन करता है कि हम तुम्हें प्रणाम करें। उन ब्राह्मणियों ने कहा नहीं नहीं स्वामी, आप हमारे स्वामी हो, पति हो, हम ही आपको प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने उन मथुरा की ब्राह्मणियों के ऊपर कृपा की। आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं रास पंचाध्यायी का।
रासलीला। भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय है, इसलिए इसको कहते हैं रास पंचाध्याय। ये रासलीला के 5 अध्याय। ये 5 अध्याय क्या हैं? जैसे हम लोगों के अंदर पंच प्राण होते हैं, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, चिति यानी पृथ्वी। इस शरीर में पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है, पृथ्वी तत्व सबसे अधिक है। और उसके बाद में है फिर जल तत्व, चिति जल। फिर उससे कम है पावक अग्नि तत्व। फिर उससे कम है आकाश तत्व, और सबसे कम है वायु तत्व हमारे शरीर के अंदर। तो ये 5 तत्वों से जैसे शरीर बना है, तो ये 5 तत्व ही 5 प्राण है, पंच प्राण। तो ऐसे ही भागवत जी में भी ये 5 अध्याय मानो पंच प्राण हैं। और रासलीला का मतलब पहले समझें कि रासलीला किसको कहा गया है, रासलीला का मतलब क्या होता है। ज्यादातर हम सभी यही समझते हैं और जानते हैं कि रासलीला का मतलब भगवान ने गोपियों के साथ में नाच गाना किया, नृत्य करते हैं ना भगवान, तो नाच गाना ही जो है रासलीला का नाम है, नाचना गाना ही। पर ऐसा नहीं, नाचना और गाना इसको रासलीला नहीं कहा गया। रासलीला का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो संत महापुरुषों ने बताया है कि रास माने होता है जीव और ईश्वर का मिलन। जीव और ईश्वर का मिलन ही रासलीला है। अब रासलीला में प्रवेश किसको मिलता है, भगवान से मिलन कब होगा? रासलीला मतलब भगवान से मिलना। तो अब रासलीला में प्रवेश कब होगा, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे महापुरुषों ने वर्णन किया है कि रासलीला में प्रवेश पाने के लिए प्रथम सुने श्री भागवत भक्त भगवत मुखबान, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान, तृतीय करें गुरु समुझ दक्ष सर्वग रसीलो, चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास की। तो अब आप ध्यान से सुने, रासलीला में प्रवेश कब मिलेगा?
प्रथम सुने श्री भागवत, सबसे पहले भागवत की कथा को सुनना चाहिए। सबसे पहले भागवत की कथा को सुनना चाहिए। आगे कहते हैं, भक्त भगवत मुख वाणी, किसके मुख से सुना जाए? बोले किसी वैष्णव भक्त के मुख से सुना जाए। कहने वाला वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म में आस्था रखने वाला। जिसकी वैष्णव धर्म में आस्था नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि भागवत की कथा को कहेगा तो कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहने वाला स्वयं वैष्णव होना चाहिए और वैष्णवता को मानने वाला हो, सनातन धर्म में आस्था रखता हो, भगवान में विश्वास रखता हो, भक्त होना चाहिए। स्वयं भक्त भगवत मुख वाणी, भक्त के मुख से सुनना चाहिए। देखो जिसका जिससे प्रेम होता है ना, वो उसकी कथा बड़े प्रेम से सुनाता है, और जिसका जिससे प्रेम नहीं है तो वो ठीक है, टाइम पास करने के लिए सुना देगा, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा, वो भीतर से बोल नहीं सकता है। भीतर से प्रसन्न चित्त होकर के वो उसी के बारे में बोल सकता है कि जिसको वो जानता है, और उस व्यक्ति से उसका प्रेम भी हो। प्रेम, हम अपने मित्र की प्रशंसा खूब करेंगे, अपने रिश्तेदार की प्रशंसा खूब मन से करते हैं, अपने माता पिता की प्रशंसा खूब मन से करते हैं, लेकिन जितनी प्रसन्नता से हम अपने मित्र की प्रशंसा कर देंगे, अपने माता पिता की प्रशंसा कर देंगे, अपने रिश्तेदार की प्रशंसा कर देंगे, उतने मन से जो हमारा रिश्तेदार नहीं है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उस व्यक्ति की प्रसन्नता, उसकी बड़ाई इतने प्रसन्न चित्त होकर के नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भागवत की कथा कहने वाला भी भगवान का प्रेमी होना चाहिए, तभी तो वो भगवान की कथा प्रेम से सुनाएगा। तो कहा गया भक्त भगवत मुख वाणी, और उसके बाद में कहते हैं द्वितीय अरादे व्यास भक्ति नव भांत बकानी। फिर दूसरे नंबर पे नवदा भक्ति को जीवन में उतारे, जो व्यास जी ने बताया है। नवदा भक्ति मतलब सबसे पहले भगवान की कथा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सक्तमात्म निवेदनम, ये नवदा प्रकार की जो भक्ति है उसको क्रम से अपने जीवन में धारण करे एक एक करके। और फिर उसके बाद में कहते हैं तृतीय करे गुरु समुझ, तीसरे नंबर पे सोच समझ करके दीक्षा लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु बनाने में जल्दी नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर बाद में छोड़ना पड़े और पछताना पड़े। जल्दी से भाव में आकर के दीक्षा ले ली और फिर बाद में आके पछताना पड़े तो बहुत बड़ा अपराध लगता है, फिर गुरु अपराध होता है, और ये सबसे बड़ा अपराध है, फिर इससे कोई नहीं बचा सकता है। एक बार जिनके शरण में हम चले गए, जिनको गुरु मान लिया, फिर हमेशा जो है उनके प्रति हमारी श्रद्धा रहना चाहिए, नहीं तो गुरु अपराध भयंकर अपराध होता है, सबसे बड़ा अपराध है गुरु अपराध। तो इसलिए कहा गया कि तृतीय करे गुरु समुझ, सोच समझ करके अच्छी तरह से विचार करके, देख सुन लो, पहचान कर लो, आपकी श्रद्धा को पहले मजबूत बना लो, अच्छी प्रकार से देख लो। जैसे एक बार गुरु नानक देव जी के पास में जयपुर के राजा गए, दीक्षा लेने के लिए।
तो जहां नानक देव जी रहते थे उस गांव के समीप में पहुंचे राजा, घोड़ा पे बैठ के जा रहे थे। मार्ग में नानक देव जी मिल गए। अब राजा नहीं पहचानता था कि यही नानक देव जी हैं, कोई ऐसे साधारण महात्मा समझ लिए, और पुराने से कपड़े आदि साधारण वेश में थे, तो उन्हीं से पूछ लिया कि यहां नानक देव जी का आश्रम कहाँ है। तो नानक देव जी भी समझ गए कि लगता है ये नानक जी को नहीं जानते, मैं ही हूं, लेकिन ये जानते नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करोगे उनके पास में जाकर के। अरे बोले, हम ने बड़ा नाम सुना है उनका, वो सिद्ध संत हैं, हम गुरु बनाने आए हैं, दीक्षा लेंगे उनसे। अब ये बात नानक जी से ही कही जा रही कि वो बड़े सिद्ध हैं। तो नानक जी ने कहा, अरे काय का सिद्ध है, वो कोई सिद्धविद नहीं है। अब राजा तो बड़ी श्रद्धा लेकर के आया था, और राजा के सामने अपने गुरु जी की इस प्रकार से निंदा कर दिया, राजा को आया क्रोध, दो डंडे जमा दिए पीठ पर, नानक जी की पीठ पे दो डंडे मार दिए। उसके बाद भी नानक देव जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुराते हुए चल दिए, चले गए। अब राजा पहुंचा नानक देव जी के आश्रम में, चेला लोग वहां पर थे। राजा साहब पधारे, आसन दिया, बैठ गए। पूछा, गुरु जी कहां गए? शिष्यों ने कहा, गुरु जी घूमने गए, अभी आते होंगे। थोड़ी देर के बाद में वही नानक देव जी आ गए। चेला बोले, गुरु जी आ गए, सब उठ करके खड़े हो गए। और ये वही थे राजा ने जिनकी पीठ पर दो डंडे जमाए। और जो ही राजा ने देखा तो राजा के तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई। यही गुरुदेव है, इनको तो मैंने दो डंडा मारा। अब तो महाराज राजा चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव मैंने आपको पहचाना नहीं, बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नानक देव जी फिर भी कुछ नहीं बोले, फिर भी मुस्कुराते ही रहे, फिर भी नाराज नहीं हुए, दो डंडे खाने के बाद भी नाराज नहीं हुए। और राजा बेचारा बहुत दुखी हो रहा था कि अरे राम राम राम, गुरु जी से भेंट हुई और वो भी श्री गणेश यहां से हुआ, पिटाई गुरु जी की, दीक्षा जिनसे लेने आए, दो डंडे जमाए उनकी पीठ पर, राजा को महान दुख हो रहा था। नानक देव जी बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, ना क्रोध आ रहा था। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। नानक देव जी ने कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, अरे तुम गुरु बनाने आए हो ना। बोले, हाँ आया तो गुरु बनाने, तो तुमने ठोक बजा करके देख लिया ना, तेरा गुरु अच्छा है कि नहीं, ठोक बजा करके देखा ना तुमने। अरे एक मटकी मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा लेने जाते हैं कुमार के पास में, तो 10 बार उसे ठोक बजा करके देखते हैं कि कहीं से टूटा फूटा, कमजोर तो नहीं है, और जरा सा भी कमजोर बोलेगा तो नहीं, कहा ये ठीक नहीं है, टनाटन बोलने थे। भले ही वो 5 रुपए की मटकी है, 5 दिन चलेगी, बहुत दिन ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद भी उसको भी हम जब लेते हैं तो ठोक बजा करके लेते हैं कि टनाटन बजना चाहिए, तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेते हैं, परीक्षा पहले लेते हैं। तो नानक देव जी ने कहा कि तू गुरु बनाने आया तो पहले तूने ठोक बजा करके देख लिया ना, तेरा गुरु ठीक है। राजा चरणों में गिर पड़ा। अब आप लोग मत करना है क्या, गुरु जी दीक्षा तो हम आपसे लेंगे, गुरु तो आपको बनाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा ठोक बजा करके देख लें, आप ऐसा मत कर लेना, नहीं तो सारा अपराध हम ही को लगेगा। वो महाराज आए थे वृंदावन वाले, वो बता गए हमको, ठोक बजा के देखा जाता है गुरु जी को, ऐसा मत करना भाई। देखो ये तो एक बात है, उदाहरण आपको दिया गया है,
समझाने के लिए पहले अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना चाहिए, मजबूत कर लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि बाद में गुरु बदलना पड़े, अरे वो गुरुजी तो ठीक नहीं है, अब हम तो दूसरे गुरुजी बनाएंगे, ऐसा मत करना। एक बार जिसको बनाओ हमेशा वही रहना चाहिए, इसलिए जल्दी भी मत करो, आराम से सोच विचार कर। तो कहा गया कि त्रति करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जिनको हम गुरु बना रहे हैं वो दक्ष होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए और रसिक होना चाहिए, भगवान को मानने वाले, भगवान को जानने वाले और भगवान में विश्वास रखने वाले। ऐसा ना हो कि गुरुजी हमारी, गुरुजी भगवान को तो पीछे कर दें और अपनी ही पूजा करवाने लग जाएं। गुरु का काम है भगवान से मिलाने का, गुरु का काम है शिष्य को भगवान से मिलावे और बीच से हट जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है वाह कि फिर हम गुरुजी को ही भूल जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है। गुरुजी ने भगवान से मिलाया, हम भगवान को जान गए, ठीक है, लेकिन भगवान को पाने के बाद में गुरुजी को नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही भगवान मिले, तो गुरुजी का महत्व कम नहीं हुआ और कम मानना भी नहीं चाहिए। गुरुजी को भगवान से भी बढ़कर के मानना चाहिए कि आपकी कृपा से हमको भगवान मिले हैं, आपकी कृपा से हमको ज्ञान मिला है, तो गुरुजी के सम्मान में कमी नहीं आना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। यदि आपने गुरुजी का अपमान कर दिया तो फिर भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। कहा गया है, लिखा भी है कि राखई गुरु जो कोप विधाता और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। यदि भगवान नाराज हो जाएंगे तो गुरुजी बचा लेंगे, भगवान यदि नाराज हो गए तो गुरुदेव बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरुदेव नाराज हो गए तो फिर भगवान में भी हिम्मत नहीं कि वो बचा लें। यद्यपि भगवान में वो क्षमता है, भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान में क्षमता है बचाने की, लेकिन उसके बाद भी भगवान नहीं बचाते। क्यों नहीं बचाते? उसका कारण है, कारण ये है कि ये जो नियम है भगवान ने ही बनाया, ये जो कानून है, ये जो नियमावली है, ये भगवान ने बनाया है। तो जब भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम भगवान ही नहीं मानेंगे तो दुनिया कैसे मानेगी फिर? इसलिए भगवान ही पहले उसको अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान ही पहले उसको करके दिखाते हैं, भगवान ही पहले स्वीकार करते हैं उस नियम को, उस संविधान को। तो भगवान जो है ना, वेद और शास्त्र के बाहर नहीं जाते हैं। वेद शास्त्रों में भगवान ने जैसा नियम कानून बना दिया फिर भगवान उसी के अनुसार चलते हैं, जबकि उनके पास सारी क्षमता है, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं करते, क्योंकि वो अपना दस्तखत कर चुके, वो लिख चुके स्टाम्प पर। स्टाम्प क्या है? ये वेद शास्त्र जो है ना, ये भगवान के द्वारा लिखा हुआ स्टाम्प है, और दस्तखत भगवान ने कर रखा है इस पे। ये वेद शास्त्रों में जो लिखा है ना, ये भगवान के दस्तखत हैं, ये सारे नियमावली ये भगवान के दस्तखत है, भगवान के हाथ बंधे हुए हैं, भगवान वेद से बाहर नहीं जा सकते हैं, शास्त्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप शास्त्र के अनुसार, क्योंकि भगवान का संविधान है, ये कानून भगवान ने बनाया, इसलिए राख ही गुरु जो कोप विधाता लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग चाहता। इसलिए गुरु जी की भूमिका, गुरु जी का महत्व कम नहीं होना चाहिए, भले ही भगवान मिल जाए लेकिन उसके बाद भी गुरु गुरु ही है, गुरु जी का सम्मान भगवान से ज्यादा ही होना चाहिए। तो तृती करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होई विरक्त बसे बन राज बसीलो। कहते हैं चौथे नंबर पे विरक्त हो करके, इंद्रियों से विरक्त हो करके और वृंदावन में निवास करे, भगवान की भक्ति।